ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप कितना भी रट लगा करके याद कर लें, कभी न कभी आप भूल ही जाएंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अगर आप खुद से बनाना अगर सीख जाएं, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। आज इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल किस प्रकार से बनाया जाता है, उसी चीज को मैं सिखाऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। वेलकम टू माई चैनल देव ज्ञान मंत्र। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आज हम लोग सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मेट चाहिए, जिसमें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इस तरह से ऊपर में मार्क कर लीजिए। और इधर में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू को निकाल करके इसके अंदर में हम लोग फुट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग होल नंबर से पहले इसको सीरियल नंबर इसमें करते हैं। तो यहाँ पर होल नंबर यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से नंबरिंग करना है, यानी 0, ये हो गया 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 4 है ना, इसी 4 से सबको हम लोग को डिवाइड करेंगे इस तरह से। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। डिवाइड करने के बाद सबको अंडर रूट में डालना है इसको, इस तरह से अंडर रूट में। अंडर रूट में डल गया। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए थे कि 0, 1, 2, 3, 4 से नंबरिंग कर लिए। ये जो 4 जो आया, 4 से सबको डिवाइड करके उसके बाद अंडर रूट हम लोग कर दिए इसको। अब अंडर रूट करने के बाद अंडर रूट में जो जो क्रॉस होने वाला यानी कटने वाला जो है, उसको हम लोग काट लेंगे। तो ये लोग कटने वाला है, और ये कट गया। अब कटने के बाद इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो साइन का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो वो 0 ही होगा। अब यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 होता है। अब इसका 1/2 को निकालेंगे तो हो जाएगा 1/√2। इसको अगर निकालेंगे तो हो जाएगा √3/2। इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1। अभी इतना करने के बाद देखिए साइन का पूरा वैल्यू हमारे पास ही आ गया है। अब साइन का ही उल्टा तरफ से यानी कि रिवर्स टाइप से अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये कोस का वैल्यू ये हो जाता है। तो रिवर्स मतलब जैसे ये 0 लिखा है, 1/2, 1/√2, √3/2, ये 1, यानी कि ये जो 1 है ये सबसे पहले इधर में आएगा। इसको उल्टा करके लिखना है, यानी यहाँ हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये फिर हो गया 0। तो साइन का निकल गया है, कोस का भी निकल गया है। अब टेन का निकालना है, यानी साइन, कोस, टेन को निकालने के बाद बाकी तीनों को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए इसको टेन को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो टेन को निकालने के लिए साइन और कोस का जो वैल्यू है उसको डिवाइड करके हम लोग टेन में लिखते हैं। तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। अब 1/2 और √3/2 को डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पर करके दिखाते हैं, 1/2 और ये ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, ये कट के कितना आ गया, 1/√3। 1/√3 ये दोनों ही सेम है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कट करके ये 1 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं √3/2 × 2/1, 2 कट गया, बच गया √3। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0। तो साइन कोस टेन निकल गया। अब साइन का ही रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक।
कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो कोसेक में हम लोग ये जो साइन का जो वैल्यू है इसी को रेसिप्रोकल करके लिख देने से ये कोसेक का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है। ये साइन का वैल्यू है जीरो, तो जीरो को रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो ही होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, यानी कि 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल हो गया √2। √3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कोस में आ गया। अब कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कोस का जो भी वैल्यू उसको उल्टा करके हम लोग लिख देंगे तो वो सेक का वैल्यू हो जाएगा। तो कोस में पहले है 1, तो ये 1 हो गया। उसके बाद है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद है 1/√2, ये हो जाएगा √2। ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2, और ये 0 का 0। अब 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो 10 का रेसिप्रोकल यानी इसका रेसिप्रोकल करके हम लोग कोट में डालेंगे, तो 0 का 0 ही, और 1/√3 का √3, 1 का 1 ही, और ये √3/1, कुछ नहीं रहने से नीचे 1 रहता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और फिर 0 का ये 0। ये बहुत ही आसान तरीका से इस टेबल को बनाना अगर सीख लिया जाए तो एग्जाम में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले हम लोग भूल जाते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है या टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है। कुछ कुछ जगह हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, जैसे कि साइन 45 में 1/√2 है और कोस का भी 45 में 1/√2 है, इसलिए √2 इसमें भी है, साइन में भी है 45 में, और कोस भी है। अगर हम लोग इसको याद करें तो हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि साइन का वैल्यू 45 था या फिर कोस का वैल्यू 1/√2 था। इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने का ये तरीका है, इस तरीका से आप लोग इसको बनाइए और एग्जाम में इसको पहले बना करके अपना अलग वर्कशीट में रख लीजिए, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो सम है इसको आप यहाँ से वैल्यू को देख करके पुट करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आता है वो एग्जैक्ट आता है, 100% आता है।